जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JS टॉपिक स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है इसको याद करना सीखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। और ये पूरी की पूरी सारणी मैं आपको ऐसे रटवाने वाला नहीं हूँ, आपको बनाने सिखाने वाला हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। आप इस सारणी को बनाकर याद कर सकते हैं और एक बार आप इसको सीख गए तो पूरी जिंदगी में आप कभी भी इसको भूलने वाले नहीं हैं। ऐसे ही तरीके से मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर से देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर देखिए, पूरी जो त्रिकोणमिति की सारणी होती है उसका पूरा स्ट्रक्चर मैंने यहां पर बना रखा है। यहां पर देखिए, ऊपर कोण लिखे हुए हैं 0, 30, 45, 60, 90, इन्हीं कोण को हमें पूछा जाता है। और यहां पर साइन, कोस, टेन, थीटा, कोसेक्स, सेक्ट, कोट, ये सब लिखे हुए हैं। तो इन सभी की जो वैल्यू है वो आपको याद नहीं करना है, वो मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, वो मैं यहां पर निकाल कर बताऊंगा कि किस प्रकार से इनकी वैल्यू निकाली जाती है। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं दावा करता हूं कभी भी आप भूलेंगे नहीं इस सारणी को, बहुत ही अच्छे से आपको ये याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि किस प्रकार से इस सारणी को हम अच्छे से याद कर सकते हैं। तो देखिए, यहां पर लिखा हुआ है, सारे कोण लिखे हुए हैं और यहां पर साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन सभी की वैल्यू यहां पर निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। तो यहां पर देखिए 0 है तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर 0, ठीक है, 0 लिख दिया। फिर यहां पर क्या लिखेंगे, 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, ठीक है, 0 से लेकर 4 तक हमने यहां पर गिनती लिख दी है, काउंटिंग लिख दी है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, सभी में 4 से भाग लगा देना है। कैसे लगेगा, देखिए 0/4, यहां पर 1/4, फिर इसके बाद में यहां पर क्या आ जाएगा, 2/4, और यहां पर 3/4, और यहां पर 4/4। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सभी के ऊपर रूट लगा दीजिए। ये हमने सभी के ऊपर रूट लगा दिए, ये हमने रूट लगा दिए सभी के ऊपर, बस इतना आपको करना है, बाकी पूरी सारणी की वैल्यू आपको इन्हीं से निकलकर आ जाएगी। देखिए कैसे आएगी, यहां पर देखिए इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो हमारे साइन थीटा की वैल्यू निकलकर आ जाएगी। देखिए यहां पर क्या है, 0/4, 0 में आप 4 से भाग लगाएं, 5 से भाग लगाएं, 8 से लगाएं, किसी से भी भाग लगाएं तो क्या आएगा, 0 ही आएगी। तो यहां पर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगी। ठीक है, इसका मान निकल के आएगा 0। ठीक है, फिर इसके बाद में है √1/4, इसको यदि हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहां पर देखिए क्या है, √1/4, ठीक है, रूट को अलग अलग कर लेते हैं तो क्या आएगा, एक √1 और यहां पर √4। तो √4 जो है वो काय का वर्गमूल है, 2 का। तो यहां पर देखिए 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 4 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब 1/2 आ गया। तो यहां पर इसको सॉल्व करने के बाद में क्या आया है, 1/2, तो यहां पर हम लिख देंगे भैया 1/2। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखिए यहां पर क्या है, 2/4, तो इसको सबसे पहले तो काट देते हैं भाई, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी वो भी आपको यहीं पर समझा देते हैं। तो यहां पर देखिए कटने के बाद में क्या बचा हुआ है, √1/2। ठीक है, तो एक रूट को अलग अलग कर लेते हैं, तो ऊपर क्या है √1 और नीचे क्या है √2। ठीक है, तो जो 1 है वो तो रूट से बाहर निकल आएगा तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, लेकिन जो 2 है ये तो √2 ही रहेगा, तो यहां पर इसका मान क्या हो जाएगा, 1/√2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद में क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, तो हम यहां पर लिख देंगे 1/√2। ठीक है, तो देखिए ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू यहां पर निकलती आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए यहां पर क्या है, √3/4, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए यहां पर क्या है √3/4, यही है। अब क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, रूट को अलग अलग कर लेते हैं, तो ऊपर क्या है √3/4, नीचे क्या है √4, तो √4 जो है ये काय का स्क्वायर है, 2 का है, तो यहां पर इसको सॉल्व करने के बाद में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, √3/2, तो यहां पर आ जाएगा भैया √3/2 आ गया। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद में देखिए यहां पर क्या है, 4/4 है, 4/4, तो यहां पर सीधा सीधा 4 से 4 कट जाएगा और क्या बचेगा, यहां पर बचेगा हमारा √1/1, 1 से 1 कट जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, रूट का 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो यहां पर जो 1 है वो रूट से बाहर निकल जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, तो देखिए साइन थीटा के सारे मान निकल कर
आ गए हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भैया साइन थीटा के मान तो हमने निकाल लिए, अब कोस के कैसे निकलेंगे? तो देखिए कोस के मान आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है, कोस के मान डायरेक्टली निकल गए हैं। तो देखिए अभी हमने ये ऐसे लिख दिए हैं, अब इसको यहां से लिखना स्टार्ट करिए, मतलब ये जो है यहां आ जाएगा, ये वाला यहां, ये वाला यहां, ये वाला यहां, मतलब अब आप इसको उल्टी तरफ से उधर की ओर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये जो वन है ये आ जाएगा यहां पर, तो ये वन हो गया। ये थ्री अपॉइंट टू है ये आ जाएगा यहां पर, ये हो गया थ्री अपॉइंट टू, ठीक है। इसके बाद में ये तो यही है तो यहां पर आ जाएगा रूट वन अपॉइंट रूट टू। इसके बाद में वन अपॉइंट टू है तो यहां पर आ गया वन अपॉइंट टू, ठीक है। जीरो है तो यहां पर आ जाएगी जीरो, ठीक है। तो देखिए हमने उस तरफ से इनको लिख दिया है इधर की ओर, तो ये हमारे कोस थीटा के मान निकल कर आ गए हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें इतनी सारी सारणी बनानी है, तो बाकी मान कैसे निकलेंगे? सब कुछ निकलेगा, बस आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए अब हमें क्या करना है, आपको एक फार्मूला पता होगा त्रिकोणमिति की सर्वसमीका है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। ये एक फार्मूला है टेन थीटा का, ठीक है। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, ठीक है। तो यहां पर यदि हम साइन थीटा से कोस थीटा, सॉरी साइन थीटा में कोस थीटा से यदि हम भाग लगा दें तो क्या निकलेगा, टेन थीटा निकलेगा। तो यहां पर भाग लगा दीजिए, तो देखिए साइन और कोस नीचे ही है, साइन बटे कोस करेंगे तो हमारा यहां पर टेन का मान निकलेगा। तो देखिए जीरो में एक से भाग लगाएंगे तो क्या जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, ठीक है। तो टेन जीरो का मान जीरो आ गया। इसके बाद में देखिए इसके बटे में ये आ जाएगा, यानी एक बटा दो, फिर इसके बटे में क्या है रूट थ्री अपॉइंट टू। तो देखिए दो से दो कट गया, यहां पर क्या बचा वन अपॉइंट रूट थ्री, तो यहां पर आ जाएगा वन अपॉइंट रूट थ्री। तो देखिए टेन यहां पर तीस का मान निकल के आ गया। इसके बाद में देखिए यहां पर ये इससे पूरा का पूरा कट जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, ठीक है। देखिए इसके बटे में ये आ जाएगा, यानी कि वन अपॉइंट रूट टू, फिर बटे में वन अपॉइंट रूट टू, तो ये कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में, तो ये डायरेक्टली यहां पर हमारा एक आ गया, ठीक है। फिर यहां पर भी देखिए दो से दो कट जाएगा और यहां पर क्या बचेगा रूट थ्री अपॉइंट वन, तो वन का तो कोई मतलब है नहीं, तो यहां पर डायरेक्टली क्या आ जाएगा रूट थ्री आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर वन अपॉइंट जीरो, ठीक है। तो यहां पर आप समझिए कि देखिए वन है वन अपॉइंट जीरो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। जैसे कि हमने संख्याएं देखी हैं क्या होती हैं, जीरो वन टू थ्री, तो सभी के बटे में क्या होता है वन होता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है उल्टा है, वन अपॉइंट जीरो है, तो ये कोई संख्या है ही नहीं। जब कोई संख्या नहीं है तो वहां पर क्या आ जाएगा अपरिभाषित, ये हो गया अपरिभाषित, यानी कि अनंत इनफिनिटी आ गया, ठीक है। तो ये हमारे साइन कोस टेन तीन चीजों के मान हमारे निकल कर आ गए हैं, साइन कोस टेन तीनों के मान निकल कर आ गए हैं। अब हमें चाहिए कोसेक का, सेक का और कोट का। तो जब आपने ये मान निकाल लिए तो इनका जस्ट उल्टा होता है ये, ठीक है। तो अब हम देखिए साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है, कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, और यहाँ पर टेन का उल्टा क्या होता है कोट होता है, ठीक है। तो इन सभी को मान को हम पलट देंगे तो हमारे ये सारे मान निकल कर भी आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पलट देते हैं। तो देखिए जीरो है, जीरो का उल्टा क्या हो जाएगा इनफिनिटी, ठीक है। तो ये अनंत जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, जीरो का उल्टा क्या होता है अनंत होता है, तो ये अनंत आ गया। फिर इसके बाद में देखिए इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वन अपॉइंट टू का उल्टा हो जाएगा टू, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा टू, ठीक है। इसको भी पलट दो तो यहां पर क्या आ जाएगा वन अपॉइंट रूट टू है, तो ये क्या बचेगा रूट टू आ जाएगा, बटे में वन है तो कोई मतलब नहीं है। इसको भी पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगा टू अपॉइंट रूट थ्री हो जाएगा, ठीक है। इसको पलटेंगे वन को इधर पलटो चाहे इधर, तो वन तो वन ही होता है, तो यहां पर ये आ गया हमारा वन, ठीक है। चलिए अब कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो इसको पलटेंगे वन को पलटेंगे तो वन ही रहेगा, तो ये हो गया वन। इसको आप पलट दीजिए तो ये क्या हो जाएगा दो बटे रूट तीन, ठीक है। फिर इसको पलट दो तो यहां पर क्या आ जाएगा ये रूट टू का रूट टू ही रहेगा, ठीक है। इसको पलट दो तो ये टू हो जाएगा, टू के बटे में वन करेंगे उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये टू हो गया। इसके बाद में जीरो को पलटेंगे तो भैया फिर से ये क्या हो जाएगा, जीरो को पलटेंगे तो ये अनंत हो जाएगा, ठीक है। जीरो का उल्टा अनंत होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर टेन का उल्टा क्या हो जाएगा कोट हो जाएगा, तो जीरो का उल्टा अनंत हो जाएगा, तो ये हो गया अनंत, ठीक है। यहाँ पर वन अपॉइंट रूट थ्री है तो ये क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, ठीक है। फिर वन का उल्टा तो वन ही होता है, तो ये हो गया वन, ठीक है। फिर यहाँ पर रूट थ्री है तो रूट थ्री का उल्टा वन अपॉइंट रूट थ्री, तो यहाँ पर आ जाएगा वन अपॉइंट रूट थ्री। और यहाँ पर अनंत का उल्टा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा
जीरो, ठीक है। तो ये सारी की सारी सारणी देखिए, हमने कोई भी याद नहीं किया है, ना हमने कोई रट्टा मारा है, सिर्फ हमने यहाँ पर एक मान को निकाला है और सारी की सारी सारणी हमने बना दी है। तो आशा है आपको समझ में आ ही गया होगा कि किस प्रकार से ये जो सारणी है इसको बनाया जाता है। तो अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी समझ में आए। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।